सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के पश्चात रिक्त हुई मैनपुरीत को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जबकि भाजपा के द्वारा अभी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को टिकट देकर भाजपा मैनपुरी से समाजवादी पार्टी का गणित बिगाड़ने का प्रयास जरूर करेगी। हालांकि मध्यावधि चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव के नाम पर बतौर प्रत्याशी मुहर लग चुकी है, वहीं सपा से प्रत्याशी बनाए जाने पर आजमगढ़ से सपा के गढ़ में भगवा फहराने वाले भोजपुरी स्टार निरहुआ ने डिंपल यादव को अपनी शुभकामनाएं भी दे डाली हैं। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बाराबंकी के रामपुर महोत्सव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, साथ ही पत्रकारों से वार्ता भी की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मैनपुरी से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर भाजपा के निरहुआ ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, जब बड़े नेता मैदान में उतरते हैं तो लड़ाई अच्छी होती है। सपा ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उतारना ही चाहिए, और जब बड़े नेता कहीं पे रहते हैं उतरते हैं तो अच्छी लड़ाई होती है और अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है। वहीं जब अपर्णा यादव के नाम को लेकर उनसे बात की गई तो उन्होंने इसे पार्टी का फैसला, ये तो पार्टी के शीर्ष नेता तय करेंगे, ये हम लोग कैसे नहीं, प्रदेश की जनता के आने के बाद फिल्मों का क्या होगा जी? राजनीति में आने के बाद फिल्मों के लिए क्या? लगातार फिल्में बन रही है, आजमगढ़ में बन रही है, आजमगढ़ की 5 विधानसभाओं में 15-15 दिन हमने शूटिंग रख दिया है, वहाँ हम जनता की बात भी सुनते हैं, जनता का काम भी करते हैं, और दोनों काम एक साथ होता है। हमने कहा भी था कि जब हम यहाँ चुने जाएंगे तो शूटिंग भी यही होगी और आपका कार्यालय भी यही चलेगा, आपका काम भी होगा, तो दोनों काम वहाँ होगा। हालांकि मैनपुरी में दो बहुओं का आमना सामना होगा या नहीं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सांसद निरहुआ की शुभकामनाएं डिंपल यादव के लिए कितनी शुभ साबित होंगी। आप वहाँ जाइए, जनता की सेवा कीजिए, और जो 15 में नहीं कर पाए वो लोग हम 15 में कर देंगे, आप वहाँ जाके जनता की सेवा करिए। और महाराज जी ने 2-3 में ही दिखा भी दिया, वहाँ आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है आजमगढ़ में, आजमगढ़ की जो रेल लाइन है वो सीधे बनारस और गोरखपुर से जोड़ी जा रही है। उसके अलावा अभी मैंने बताया आपको कि 3,153 करोड़ आज ही पास हुआ है, जिसमें आजमगढ़ की सारी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसा अवसर मिला चतुर्भुज स्थान पे आने का, और यहाँ भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला, और साथ में हमारी जो देवकुली जनता है उनका भी आज दर्शन करने को मिला, सौभाग्य है हम।